हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं, बहुत सारा आइटम है। आज ईटिंग शो का भी तैयारी है और ये हमारे घर का आज ब्रेकफास्ट भी है। तो देखते हैं आज क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम चाउमीन बनाएंगे। आज चाउमीन है, इधर दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये मैगी हमने रखा हुआ है। ये मैगी है, अभी बनाया नहीं है, बनाना है। ये ब्रेड है, ये सैंडविच बनाएंगे इसका। और ये सभी कुछ पहले से कट करके रखे हुए हैं। ये चाउमीन के लिए ये सब चल रहा है, मैगी के लिए सब है। और उसके बाद पहले बना लेते हैं हम चाउमीन। तो चाउमीन के लिए ये वाला है, आज इसी में सभी कुछ काटे हैं जो हमको खाना भी बनाना है, घर के खाने के लिए भी। तो सभी कुछ एक बार में ही हमने प्याज टमाटर सब काट लिया है, ताकि बार बार हमको कटिंग करने का ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए, ये हमारा तेल गर्म है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो ये हमने कुछ हरी मिर्च डाल दी, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें आप जितनी भी हरी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे आप शिमला मिर्च डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, जो भी आपको मर्जी है आप डाल सकते हैं। बस हम थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि हमें डेली खाना होता है, तो हम बस बनाते हैं जितना कम में हो सके। तो चलिए, फटाफट से ये हमारा बन जाता है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी ही बना लेते हैं हम। तो ये हम डाल दिए हैं, आप चाहे तो इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सब भी हम नहीं डाल रहे हैं, प्याज डाल देते हैं। अरे बाबा, और हम अपना फ्लेम को फुल करके रखेंगे और इसे बस थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, ये हमने चाउमीन को उबाल करके रख लिया। देखिए कितना अच्छा, एकदम एक भी हमारा जो चाउमीन है वो चिपका नहीं है आपस में, सभी कितना खिला खिला है। तो इसी तरह से हमने पहले ही उबाल करके और इसे छन्नी में छान करके रख लिया, ताकि जो इसका पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो ये चाउमीन जो है वो बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। ये पत्ता गोभी हम डाल करके, इसे भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसलिए कि चाउमीन में हमारी जो सब्जियाँ होती है ना, वो सभी क्रंची उसका नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्रंचीपन होना चाहिए उसमें। तो बस इसे बस हम थोड़ा सा भूनेंगे, बाकी सभी पत्ता गोभी को हम एक साथ डाल देते हैं। और इसे थोड़ा हम फुल फ्लेम पे भूनेंगे, हम जो भी चाउमीन बनाते हैं तो फुल फ्लेम पे ही बनाएंगे। हम आ गए, आपको अभी आना बाकी है पापा। हाँ ना, बाकी है अभी तो। आप उसी रूम में? कहाँ उसी रूम में, यहाँ उस रूम में है, आप रूम में है, किचन में, किचन में बगैर अच्छा। मेरे किचन में आए हुए पूर्ण कैसे हो जाएगा क्या ही? अरे हम आए हुए हैं और हम यहाँ हैं, तो हमारे बगैर यहाँ रहे पूर्ण कैसे मैं होने दूँ? अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा अपना हाथ मुँह लगाऊंगा तब ना पूरा होगा। आपको क्या खाना है, कोई एक चीज बताइएगा। एक चीज गोलगप्पा तो है ही नहीं, कोई एक चीज। हाँ, चाउमीन, मैगी, सैंडविच या फिर गुजिया। मैगी, मैगी खाएंगे। हाँ, चाउमीन ही खाएंगे ना। चाउमीन भी थोड़ा सा खाएंगे। चाउमीन आप नहीं खाएंगे? थोड़ा खाएंगे, नहीं नहीं खाएंगे आप। चाउमीन आपको नहीं खाना है, सैंडविच नहीं खाना है, गुजिया नहीं खाना है और छेना पायस भी नहीं खाना है। गुजिया हम नहीं खाएंगे, आपके लिए छोड़ दिए। अच्छा, लेकिन चाउमीन, हाँ, मैगी दोनों खा लेंगे और छेना पायस, छेना पायस आपके लिए भी छोड़ सकते हैं। अरे पापा, कल खा लिए थे पूरा ना। आ, कल तो एक प्लेट मारे थे। दो पापा, दो प्लेट, दो प्लेट खाए थे ना। हाँ, कल हम नहीं खाए थे, इसीलिए कोई उतना टेंशन नहीं है। अच्छा, चलिए वहाँ से लाइए सॉस, लाइए सॉस डालिए। पापा जी का काम स्टार्ट। मैं जब यहाँ हूँ तो बगैर मेरे बिना हाथ लगाए बिना अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा ब्लैक सॉस, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर ये ना पड़े तो कोई बात नहीं, ये अपना मर्जी है, ऑप्शनल है। टमाटर तो नहीं पड़ेगा, टमाटर तो पड़ेगा। क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको लग रहा है कि हम ना। अच्छा तो डालिए, आप ही डालिए भाई, डालिए डालिए हाँ डालिए। अब बस कर दीजिए, बस कर दिया। अब चिल्ली भी डाल दीजिए। हाँ, तो ये सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसमें ब्लैक पेपर
का पाउडर अगर है तो डालेंगे, और नहीं है तो उसको आप कूट करके भी डाल सकते हैं। मेरा अंदाज सही है ना, हम डालते हैं पतले। अरे बाबा आपसे सीख लिए। अरे हमसे क्यों सीखिएगा भाई। अरे नहीं नहीं सीख लिए हमसे, आपसे सीखते हैं। हाँ सही बोला। नहीं 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 हम आपसे सीखे हैं भाई, ट्रेनिंग तो आपने दिया है ना। कितना ये तो मेरे साथ टाइम। अच्छा आपके साथ टाइम काफी है क्योंकि चलिए ये बात अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप हमको सिखाया और आपसे हम सीखे। अरे वाह ये क्यों ऐसा नहीं होता है, लेडीज नहीं सीख सकती है जेंट्स से है? तो इसमें कहीं दो तो अगर हमको कोई नहीं आता है तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते, हम आपसे सीखे हैं ना। अच्छा इसलिए ईमानदारी। हाँ हम ईमानदार हैं। ईमानदारी ईमानदारी से बता रहे हैं। तो ये हमारा जो सॉस है और बाकी सब्जियाँ जो है वो भून चुकी है और हम इसमें अब चौमिन डालेंगे। डालिए चौमिन। तो ये अब हम चौमिन को डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो ये भूनने का काम जो है वो हम डाल दिए हैं, इनको दे दिए हैं कि आप भूनते रहिए। ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे हाथ लगाए बिना टेस्टी नहीं बनता है, तो आप टेस्टी करते रहिए, लगाते रहिए टेस्टी, और क्या टेस्ट बढ़ जाएगा हमको चलाने से। तो ये हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, हल्का नमक डालेंगे, इसलिए कि जो सोया सॉस हमने डाला है उसमें भी नमक होता है, तो बस थोड़ा सा नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। और ये हमारा इसे बस भूनना है, जितने अच्छे से आप भूनिएगा उतना अच्छा आपका मैगी बन करके रेडी होगा। अरे चौमिन, सॉरी चौमिन, चौमिन आपका रेडी होगा अच्छे से भून करके। तो देखिए देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर तो इसमें हम ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालेंगे। तो ये अब हम इसमें थोड़ा सा एक चुटकी ब्लैक पेपर ये डाल देंगे, बस थोड़ा सा, और इसे मिक्स करेंगे और इसे लगभग बस 2 मिनट और भूनेंगे और ये हमारा चौमिन बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये हमारा चौमिन बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम मैगी और सैंडविच कैसे बनाए हैं। क्या अभी खाएंगे? चलिए बाय बाय।